हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस व्लॉग में। और शाम के हो चुके हैं 5 और मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। और छम्मी में रखी रखे और अम्मी और बंकू हेलो कर दो यूट्यूब फैमिली को। नहीं कर दो तो किशु कर दो एक बार। मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैं करने वाली हूँ खाने की तैयारी। और थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैं प्याज काट रही थी और टमाटर वगैरह छील रही थी। और ये देख के रो रो हो कि मेरा कितना बुरा हाल हो गया। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ थोड़ा बहुत अपनी कुकिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो लहसुन है मैंने छील के रखी है, इसको मैं पहले अच्छे से पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप, लहसुन को मैंने अच्छे से पीस लिया। और यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ से तेल में से ये धुआं जो है वो निकलता है। इसमें जो तेल है वो अच्छे से पक गया है। अब मैं डालती हूँ इसमें प्याज, पर प्याज डालने से पहले गैस को कर लेती हूँ सिम। और ज़रा ध्यान से डालूँगी क्योंकि मुझे डर लगता है। चलो बिल्कुल आराम से खाते हैं इसको। डर इसलिए लगता है ना कि एक बार मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी और मैंने ना ऐसी कढ़ाई रखी हुई थी, तो ना जैसे ही मैंने उसके अंदर प्याज डाला ना, और पूरी की पूरी कढ़ाई में ना आग ही लग गई। और मेरे को उस दिन के बाद ना तेल जब भी गर्म होता ना, मेरे को सीरियसली इसे भूनना है जब तक ये भूरे रंग का ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो प्याज मेरा हल्के भूरे रंग का हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी ये लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। लहसुन डाल के फ्रेंड्स खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है ना, खाएंगे आप भी मटर पनीर? आ जाइए। तो फ्रेंड्स, लहसुन को भी थोड़ा सा इसमें अच्छे से मिक्सअप होने देना है प्याज में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अपने टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, लहसुन और जो प्याज है वो अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं, भून चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। तो फ्रेंड्स, जो भी मसाले वगैरह मैंने ऐड किए थे और जो भी टमाटर था, प्याज था, लहसुन था, वो सारा अब बन के कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं डाल लूँगी मटर और पनीर और फिर मेरी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आपको एक फनी बात बताऊँ, बस ये वाला पोर्शन दिखाने के लिए जैसे ही मैंने अपने ट्राईपोड कैसे सेट किया ना, मेरा पूरा ही फ़ोन कढ़ाई में गिर गया।
और आज तो हो गई थी बस फिर वीडियो शूट। तो चलिए जो फाइनल टचअप है मैं वो दिखाती हूँ आपको। सो गाइज ये पनीर बन के रेडी हो चुका है और अब मैं करती हूँ सबको सर्व। बड़ी बकरी बनती है मेरे से तो यार एक चीज टाइम पे मिलती है ठीक है तो थोड़ा लाइन में आ जा अपनी नहीं तो फिर लाइन पे मैं कैसे लाता तुझे पता है फिर कैसे बनाता बकरी फिर नो बात बात करनी पहले तो बात होती है टाइट रहा सारा राधु एक मिनट इतने आ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे राधु दोस्तों ये है वो लड़की जिसका है बर्थडे आ जा बैठ जा तो दोस्तों ये हो रही है हमारी छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन राधु के बर्थडे पे तो आप भी ज्वाइन करें हमें चल चल भाई राधु फूफा पहले फूफा चल चल मेरे बाप फूफा से निकाल एक और बार करते बाप एक बार फूफ फिर बार एक बार बार फिर बार आप ए बैर गोटे बैर चल भाई राधु ओहो बंकू तो पनीर खा रहा है। तो इसी के साथ राधु का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया है और मैं करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।